डबल क्लिक किया और मैं ऐसे उड़ गया, देख सकते हो उड़ना बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इलाइट्रा को कैसे उड़ा सकते हो, एकदम खड़े खड़े कैसे उड़ सकते हो, और तीन ट्रिक बताने वाला हूँ इलाइट्रा उड़ाने की। सबसे पहले तो आप बैठे बैठे उड़ सकते हो, और उसके बाद आप है ना सपोज बहुत गहराई में गिर चुके हैं और आपके पास सिंपली है ना एक ब्लॉक का स्पेस है, तो आप वहाँ से भी उड़ के निकल सकते हो। और मैं ना आपको हैंड कैम पे दिखाने वाला हूँ कि कैसे ना कौन सा बटन मैं यूज़ करता हूँ उड़ने के लिए। पॉकेट एडिशन में उड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप ये सीख जाओगे तो बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ना यहाँ पे खड़े खड़े यहाँ से अगर नीचे जाता हूँ तो आराम से उड़ के जा सकते हो, देख सकते हो। मेरे को अभी आदत हो गया तो मैं कहीं से भी उड़ लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर आपको नहीं आता होगा तो आपको ये वीडियो पूरा देखना, आप सीख जाओगे। तीन बहुत ही अमेजिंग ट्रिक बताने वाला है इलाइट्रा उड़ाने की, अगर आप वो सीख जाते हो तो आप इलाइट्रा को मास्टर कर लोगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं हैंड कैम चालू कर लेता हूँ, आप लोग देख सकते हो अभी ना मैंने अपने हैंड कैम को चालू कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं सबसे पहले ना यहाँ पे सेकंड पर्सन में आ जाता हूँ, आप देख सकते हो। अगर है ना आपको मैं सबसे पहला ट्रिक बताता हूँ, आपको सिंपली क्राउच हो जाना है। तो मैं ना देख सकते हो यहाँ से क्राउच होता है और आप देख सकते हो मेरी इलाइट्रा खुल चुकी है, और मुझे ना सिंपली यहाँ पे ऊपर देखना है और ये है ना जंप बटन को डबल बार क्लिक करके यहाँ पे होल्ड कर लेना है। तो आप देखना, ये डबल बार मैंने जंप करके होल्ड कर लिया, तो इस तरीके से आपको करना है। तो आपको अच्छे से ऊपर देखना है, तो मैं अभी आपको एक और बार करके दिखाता हूँ, ये डबल जंप और ये होल्ड कर लिया, तो आप देख सकते हो इस तरीके से। अभी ना मैं अपने हाथ में फायरवर्क को पकड़ता हूँ और उड़ के दिखाता हूँ। तो डबल क्लिक किया और मैं ऐसे उड़ गया, देख सकते हो उड़ना बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है। अगर आप बैठ के उड़ते हो तो बहुत ही आराम से उड़ जाते हो। तो अभी ना मैं यहाँ पे एक बार लैंड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको ना एक और बार इसको करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे लैंड कर चुका, तो सिंपली क्राउच होना है और यहाँ पे हल्का सा है ना ऊपर के साइड हमको देखना है, और उसके बाद है ना हमको डबल जंप दबा के यहाँ पे होल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से हम लोग उड़ जाएंगे। तो क्राउच होकर बहुत ही ईजी तरीके से उड़ सकते हो। तो क्राउच होकर अगर आप उड़ते हो तो बहुत ही आराम से उड़ सकते हो। अगर आपको है ना प्रॉब्लम होती है तो क्राउच वाला सबसे बेस्ट है। तो अभी ना मैं आपको सेकंड ट्रिक दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लैंड कर लेता हूँ, अभी ना मैं क्राउच नहीं हूँ, तो मैं ना थोड़ा ये बाहर के साइड आ जाता हूँ। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे आ चुका और मैं यहाँ पे अभी क्राउच नहीं हूँ, तो अभी मैं खड़े खड़े उड़ के दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो मैं अभी क्राउच नहीं हूँ। तो आपको है ना यहाँ पे डबल बटन दबाना है अपने इलाइट्रा को खोलने के लिए, और तीसरे बटन को दबा के आपको उड़ जाना है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं ना थोड़ा सा ऊपर आ जाता हूँ, तो एक बार मैं अभी अपने हाथ से फायरवर्क हटा के आपको दिखाता हूँ। तो ये है ना डबल जंप ऐसे दबाना है, जैसे इलाइट्रा खुल जाए तो आपको ऐसे स्क्रीन पर होल्ड रखना है। आप देख सकते हो मैं लेफ्ट वाले आप थंब को देख सकते हो, तो इस तरीके से होल्ड करना है। तो ये राइट वाले थंब से डबल जंप करना है, फिर उसके बाद होल्ड करना है। तो अभी ना मैं अपने हाथ में फायरवर्क ले लेता हूँ और आपको थोड़ा सा ऊपर देखते रहना है। तो मैं ना यहाँ से थोड़ा सा ऊपर देख लेता हूँ, उसके बाद देख सकते हो मैं डबल जंप दबाता हूँ तीन बार ऐसे, देख सकते हो इलाइट्रा एक्टिवेट हो जाता है। तो डबल जंप दबाना है, तीसरे बार में इस तरीके से उड़ जाना है। तो आपको फर्स्ट टाइम है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा यहाँ इसको मास्टर करने में, लेकिन एक बार मास्टर कर लोगे तो बहुत आराम से उड़ जाओगे। तो अभी ना मैं आपको एक और बार दिखाता हूँ, मैं ना यहाँ पे पहले लैंड कर लेता हूँ और आपको ना एक और बार करके दिखाता हूँ। थर्ड वाली ट्रिक भी बहुत अमेजिंग है, अगर आपको वो आ जाती है तो आप खड़े खड़े उड़ जाओगे बिना कुछ किए एक ही ब्लॉक के अंदर से। तो अभी ना देख सकते हो मैं यहाँ पे हूँ, तो आपको ना ये डबल जंप दबा के इसको एक्टिवेट कर देना है इलाइट्रा को कुछ इस तरीके से। तो अभी ना मैं डबल जंप दबा के एक्टिवेट करता हूँ, तीसरे जंप में मुझे इस तरीके से उड़ जाना है। तो इस तरीके से आप लोग उड़ सकते हो, ये दो ट्रिक है ना बहुत ही अमेजिंग है, आपको ये जरूर करना है। तो अभी ना मैं आपको एक और ट्रिक दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे लैंड कर लेता हूँ और यहाँ से ना मैं सबसे पहले ना फर्स्ट पर्सन में आ जाता हूँ। तो यहाँ से ना उड़ना बहुत ईजी होता है, देख सकते हो मैं कुछ इस तरीके से उड़ जाता हूँ बहुत ही आराम से। मुझे ना उड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि मैंने इलाइट्रा को मास्टर कर लिया है। मैं बिना क्राउच हुए भी उड़ सकता हूँ और क्राउच होकर भी उड़ सकता हूँ। तो अभी ना मैं सपोज एक ब्लॉक के अंदर चला जाता हूँ, तो आपको यहाँ से उड़ के दिखाता हूँ। तो सपोज आप है ना एक ब्लॉक के अंदर गहराई में गिर चुके हैं, तो यहाँ से आप कैसे निकलोगे? तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे गहराई में चलता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैं बहुत ज़्यादा गहराई में आ चुका। अगर आप है ना सपोज ऐसी जगह पे फंस जाते हो और आपको यहाँ से निकलना हो, तो अगर आपके पास वाटर बकेट नहीं है ना तो आराम से इलाइट्रा से निकल सकते हो। देख सकते हो मैंने अभी फायरवर्क ले लिया, तो आपको कुछ निकलना है, यहाँ पे डबल जंप दबाना है और तीसरे बार जंप दबाने के बाद होल्ड करना है। तो डबल जंप दबा के ऐसे होल्ड कर लेना है। तो अभी ना मैं आपको एक बार दिखा दूँ, देख सकते हो ये मेरा फायरवर्क है। तो मैं ना इस तरीके से डबल जंप लगाया, देख सकते हो मैं ना इलाइट्रा से उड़ गया और ये बहुत ही ईजी तरीके से उड़ जाते हैं। तो अभी मैं आपको एक और बार करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ से वापस अंदर चलता हूँ। अगर आप इसको मास्टर कर लोगे ना तो आराम से आप कहीं पर भी इलाइट्रा से जा सकते हो, आपको टेंशन लेने की। तो यहाँ पे मैं ना यहाँ पे थर्ड पर्सन में अगर आ जाऊँ ना तो यहाँ से दिखेगा नहीं एक्चुअली, थर्ड पर्सन में यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, देख सकते हो मैं दिखेगा ही नहीं, मेरा सिर्फ चेहरा दिख रहा है। फिर भी एक बार ट्राई करता हूँ, अगर मैं ना ऐसे चलूँ तो नहीं होता, देख सकते हो फिर भी हो चुका है। देख सकते हो इसमें ना फिलहाल थोड़ी सी तकलीफ पड़ती है कि थर्ड पर्सन में हमको अच्छे से कैमरा नहीं दिखता ना, तो थोड़ा बहुत परेशानी होता है, बट कोई बात नहीं। तो अभी ना मैं आपको फर्स्ट पर्सन में दिखाता हूँ, आपको है ना सिंपली है ना देख सकते हो मैं आ चुका हूँ। तो आपको ना मेरा हैंड कैम देखना है, तो मैं किस तरीके से करता हूँ देख सकते हो। डबल मैं यहाँ पे जंप लगाऊंगा तो इलाइट्रा खुलेगा, आप चाहो तो सिंपली क्राउच होकर डबल जंप लगा के इस तरीके से उड़ सकते हो बहुत ईजी तरीके से। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल ट्रिक है, बस आपको फॉलो करना है, आप सीख जाओगे। आपको है ना इलाइट्रा को मास्टर कर लेना है बहुत जल्दी, ये वीडियो अगर आप समझ जाओगे तो आराम से इलाइट्रा को मास्टर कर लोगे। तो अभी है ना देख सकते हो मैं ना कहीं से भी खड़े खड़े उड़ जाता हूँ, तो आपको है ना ज़्यादा कुछ नहीं, आपको ना मेरा हैंड कैम पे ध्यान देना है, कहाँ पे मैं कौन सा बटन क्लिक करता हूँ उसके हिसाब से ना आप लोग आराम से सीख सकते हो। तो देख सकते हो मैं चाहूँ तो ऐसे भी उड़ सकता हूँ, ऐसे उड़ना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन मैं उड़ सकता हूँ, देख सकते हो उड़ चुका हूँ। तो अभी है ना मैं यहाँ से लैंड कर लेता हूँ क्योंकि मेरा रॉकेट खत्म हो गया, नॉ ही है मेरे पास।
तो गाइस मैंने ना आपको तीन ट्रिक बताई इलाइट्रा उड़ाने का। अगर आप है ना ये तीन ट्रिक सीख जाते हो तो आप इलाइट्रा को मास्टर कर लोगे। आप कहीं से भी खड़े खड़े उड़ सकते हो, चलते चलते भी उड़ सकते हो, या फिर बैठे बैठे उड़ सकते हो। तो अगर आपको है ना कुछ समझ नहीं आया तो वीडियो रिपीट करके देख लेना। बस है ना आपको ये सीखना है, तीन ट्रिक सीख गए तो आप ना इलाइट्रा मास्टर कर दोगे। तो चलिए गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं एक नए माइनक्राफ्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।